व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज हम आपके सामने हाजिर हैं बड़ी ही यम्मी और यूनिक रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं पोटैटो वेजिटेबल कबाब। बहुत इजी रेसिपी है, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होगी और ये स्पेशली बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है और हेल्दी है जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते। और ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप आलू में थोड़ी सी वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप डालें थोड़ी थोड़ी। ये देखे लिए हमने लिए हैं आलू। आलू को हमने बॉईल कर लिया और बॉईल करने से पहले हमने इनको छील लिया है। और बॉईल करने से पहले छीने एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसकी कबाब बनाते हैं तो क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन अगर आप नहीं छीलेंगे, वैसे बॉईल कर लेंगे, बाद में छीलेंगे तो ये लेसदार बनेंगे और मज़ा नहीं आएगा खाने में आपको। इनको हम थोड़ी देर में मैश करते हैं जी। तो इसमें हम वेजिटेबल्स कौन सी डाले, हम डाले हैं बंद गोभी, थोड़ी सी हमने बारीक काटी है, पालक है हमारे पास, और ये गाजर है जो हमने कश कर ली है और इसमें से पानी मैंने निकाल लिया है, शिमला मिर्च है और एक लेमन है, सब्ज़ प्याज मैंने लिया है और ये है लहसुन अदरक पेस्ट और सब्ज़ मिर्च। और मसाला हमने क्या डालेंगे, हम सिंपल हमने डाले हैं एक टेबलस्पून हमने सूख मिर्च पाउडर है और एक टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, हाफ टी स्पून हमने लिया है धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ही हम लेंगे गर्म मसाला पाउडर और हाफ टेबल स्पून ही हम लेंगे चिली फ्लेक्स। बहुत कम मसाला है और ज़्यादा हमने स्पाइसी नहीं बनाना। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आलू को बारीक पीस लूँगी जी। तो आलू हमने मैश कर दिए हैं, ये देखें ये लेसदानी बने। इसकी वजह यही है कि हमने इसको छीलने के बाद बॉइल किया। हम इसमें डाल देंगे सारी वेजिटेबल्स, ये देखें इसके साथ ही हम डाल देते हैं मसाले सारे, हमने आपको बताए थे, और डाल देते हैं जनाब एक लेमन, और इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। जी तो तवा हमने ऊपर रख के गर्म कर लिया, हल्का सा मैंने ऑयल डाला है और ऑयल को फैला लिया तवे पे। हम बनाते हैं कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब आप सिंपल भी खा सकते हैं, आप सैंडविच के अंदर रख के और बर्गर के अंदर रख के भी खा सकते हैं। जी तो माशाल्लाह से देखें आप कितने ज़बरदस्त कबाब बने हैं, बहुत ही अच्छे और देखने में फ़्रेश और बहुत मज़े के लग रहे हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसे बने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।